हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह और आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए का सिंथेसिस होना। आरएनए का सिंथेसिस डीएनए को एज अ टेम्पलेट लेके। इसके पहले आपने रेप्लिकेशन पढ़ा जिसमें डीएनए ही टेम्पलेट था और डीएनए का ही सिंथेसिस हो रहा था, लेकिन यहाँ डीएनए टेम्पलेट है और सिंथेसिस हो रहा है आरएनए का। अब आरएनए के सिंथेसिस की ज़रूरत क्या है, इसके बारे में आप सोच रहे होंगे, तो इसका जवाब हमें मिलेगा सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ से, जिसे क्रिक ने 1958 में प्रपोज किया। सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ कहता है कि ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से लेके प्रोटीन बनने तक का सफ़र एक यूनिडायरेक्शनल वे में करती है। मतलब डीएनए से डीएनए का बनना, जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए का बनना, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होना, वो प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल हो और फंक्शनल हो। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन ही बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती हैं। ये जो सफ़र है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, इसे ही सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ कहते हैं। क्रिक ने इसे यूनिडायरेक्शनल बताया, लेकिन एक्सेप्शंस हर जगह मौजूद हैं। जैसे आपको पता है कि रियो वायरस, वहाँ पर आरएनए को टेम्पलेट लेके डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है, जिसे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। रिवर्स का मतलब ही है उल्टा हो जाना, यानी यहाँ टेम्पलेट क्या है आरएनए और सिंथेसाइज क्या हो रहा है डीएनए, इसीलिए हम लोग इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो एंजाइम इसमें यूज हो रहा है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जबकि नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में आपको पता है कि एंजाइम है आरएनए पॉलीमर, जो आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसको हम ट्रांसक्रिप्टेज भी कह सकते हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है। जितना आपने रेप्लिकेशन में पढ़ा उससे भी कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में अलग और यूकैरियोट्स में अलग क्यों है, इसका बेसिक डिफरेंस हम समझ लेते हैं। बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट्स जो सेल होती हैं, उसमें आपको पता है कि एक सर्कुलर डीएनए होता है और उसी में सारी इन्फॉर्मेशन कोडेड होती हैं। ये सर्कुलर डीएनए छोटी सी सेल में है तो सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर है। इसका मतलब है कि डीएनए का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो प्रोटीन को कोड नहीं करता है। इसलिए जब प्रोकैरियोट्स में आरएनए का सिंथेसिस होता है तो हम इसे मैच्योर आरएनए कह सकते हैं, एमआरएनए कह सकते हैं, क्योंकि ये मैच्योर एमआरएनए जो है यही ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जाएगा। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन के सिंथेसिस में, इसी के बेस पे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है बच्चों, वहाँ पर चूंकि डीएनए जो आपको पता है बहुत ही कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम के अंदर रहता है और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर स्टोर रहता है, तो चूंकि डीएनए इतना कंडेंस फॉर्म में है, तो जब डीएनए बहुत ज़्यादा भी मात्रा में है और वहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है इन कंपेरिजन टू प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कम प्रोटीन में काम चल जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में बहुत सारी प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है और हर प्रोटीन्स का अलग अलग टाइम पे उनका बनना और कब उन्हें नहीं बनना है ये सब तय होता है। तो एक डीएनए सीक्वेंस बहुत लंबा हो सकता है और उसमें कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो कोडिंग रीजन कहलाते हैं और दूसरे जबकि नॉन कोडिंग रीजन कहलाते हैं। कोडिंग रीजन उन्हें हम लोग एक्सॉन कहते हैं और नॉन कोडिंग रीजन उन्हें हम लोग इंट्रॉन कहते हैं। अब जब एमआरएनए सिंथेसिस होता है तो एमआरएनए के पास इतना समय नहीं है कि कोडिंग और नॉन कोडिंग में फर्क करे, तो इसलिए फटाफट से एमआरएनए सिंथेसिस हो, यानी कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही रीजन की सिंथेसिस हो जाती है। लेकिन इसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं प्री एमआरएनए, यानी कि प्राइमरी, ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है, ये रेडी नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत सारे नॉन कोडिंग जीन भी मौजूद है जिसकी ज़रूरत प्रोटीन में नहीं होगी, और अगर इन्हें कोड कर लिया जाएगा तो वो प्रोटीन जो डिज़ायर्ड है वो शायद ना मिल पाए। तो इसके लिए एमआरएनए को इसे हटाना होगा, यानी जो ये इंट्रॉन सीक्वेंस है इन्हें हटाना है। इसी को हम लोग कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। तो आरएनए स्प्लाइसिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो
तो यहाँ यूकेरियोट्स में सभी एक्सॉन्स को जोड़ लिया जाता है और बीच से इंट्रॉन्स को कट करके हटा दिया जाता है, इसी को आरएनए स्प्लाइसिंग कह रहे हैं हम लोग। अब जो एक्सॉन एक्सॉन से मिलके बना हुआ एमआरएनए है ये मैच्योर एमआरएनए कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अब बिल्कुल रेडी है और जब तक ये मैच्योर नहीं होता तब तक ये न्यूक्लियस से बाहर एस्केप नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस हो जाता है प्रोकैरियोटिक से। लेकिन यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन को समझने के लिए पहले हमें प्रोकैरियोट्स को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमें इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना चाहिए तो हमें ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को समझने के लिए। इस वक्त बच्चों मैं ब्लैक बोर्ड बहुत मिस कर रही हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं बिना ब्लैक बोर्ड के समझा पाऊँ। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो वो कौन सा स्ट्रैंड है जिसे कोड करना है। और यहाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जैसे आपने डीएनए पॉलीमरेज को उसी तरह आरएनए पॉलीमरेज को भी 3' ओएच ग्रुप चाहिए रिबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के लिए। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जो था वो इनिशिएट नहीं कर सकता था और वहाँ पर प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो है ये दो सेगमेंट्स में बटा होता है। कह सकते हैं कि ये एक होलो एंजाइम है और इसमें कई सब यूनिट्स होते हैं। एक सब यूनिट जिसको हम लोग सिग्मा सब यूनिट कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द इनिशिएशन, क्योंकि सिग्मा सब यूनिट जब प्रेजेंट है तो इसे प्राइमर की ज़रूरत नहीं है, ये सिग्मा सब यूनिट ही इनिशिएशन करने में हेल्प करता है। उसके बाद है कोर यूनिट जिसमें दो अल्फा सब यूनिट्स, एक बीटा और एक बीटा प्राइम यूनिट प्रेजेंट है। इन सब का अपना अपना रोल है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि कौन सा स्ट्रैंड कोड किया जाएगा। तो जिस स्ट्रैंड की हमें एग्जैक्ट कॉपी चाहिए वो स्ट्रैंड हमारा हो गया कोडिंग स्ट्रैंड, जिसे हम क्या कहते हैं सेंस स्ट्रैंड। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो ये सेंस स्ट्रैंड है या कोडिंग स्ट्रैंड है उसके पैरेलल जो स्ट्रैंड है वो है एंटी सेंस स्ट्रैंड। यहाँ एंटी सेंस स्ट्रैंड जो है यही टेम्पलेट की तरह सर्व करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो कोड करना है उसे हम नहीं टेम्पलेट ले रहे हैं, टेम्पलेट हम ले रहे हैं उसके पैरेलल वाले, क्योंकि जब नया एमआरएनए बनेगा तो वो एग्जैक्टली कॉपी होगा इस कोडिंग स्ट्रैंड के यानी सेंस स्ट्रैंड के। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एंटी स्ट्रैंड को लेते हैं। अब ये तो डिसाइड हो गया कि कौन सा स्ट्रैंड है जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा यानी टेम्पलेट बनेगा। तो अब यहाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि डीएनए का एक छोटा भाग कह सकते हैं या एक स्मॉल स्ट्रेच जो इस ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेने वाला है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली होनी चाहिए। सबसे पहला है प्रोमोटर, दूसरा है स्टार्ट पॉइंट, तीसरा कोडिंग रीजन और चौथा है टर्मिनेटर सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं प्रोमोटर रीजन की। तो प्रोमोटर रीजन क्या है, ये शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज इसी को देख के रिकग्नाइज करता है कि कहाँ पर स्टार्ट पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट है ये कोई एक पॉइंट, एक न्यूक्लियोटाइड हो सकता है इसी प्रमोटर रीजन में या प्रमोटर रीजन के आसपास। मोस्टली ये प्रमोटर रीजन पे ही होता है, अटैच होता है या फिर प्रमोटर रीजन पे ही प्रेजेंट होता है। प्रमोटर रीजन को आरएनए पॉलीमरेज अच्छे से पहचान पाए इसके लिए और भी इंतज़ाम किए गए हैं। अगर हम बात करें उसे स्टार्ट पॉइंट की, तो उसको अगर हम जीरो मान लें तो स्टार्ट पॉइंट से जिधर की ओर कोडिंग होनी है उसको हम लोग कोडिंग रीजन कह रहे हैं, और वहीं आगे जाके हमें क्या मिलेगा, टर्मिनेटर पॉइंट भी मिलेगा। तो जो ये कोडिंग रीजन है इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं, जबकि स्टार्ट पॉइंट से दूसरी तरफ जिधर कोडिंग नहीं होनी है उसको हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं। यानी अप स्ट्रीम में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा जबकि डाउन स्ट्रीम में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ अप स्ट्रीम में कुछ 10 बेस पेयर के अराउंड, जिसको हम लोग -10 कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला स्टार्ट पॉइंट को हम जीरो अज्यूम कर लेते हैं, तो अपस्ट्रीम को हम नेगेटिव में डिनोट करते हैं जबकि डाउनस्ट्रीम को पॉजिटिव में। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि वहाँ एडिशन होता जा रहा है, वहीं पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है,
इसलिए हम इसको इस तरह समझते हैं। माइनस 10 बेस पेयर पे प्रिबनोवॉक्स प्रेजेंट होता है। ये प्रिबनोवॉक्स एक्चुअली 80 रिच होता है। 80 रिच होने का इसका एडवांटेज ये है कि जब आरएनए पॉलीमरेज इससे अटैच होगा तो मेल्टिंग इजी होगी। मेल्टिंग मतलब सेपरेशन ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड्स, क्योंकि आपको पता है दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स आपस में अटैच हैं, और अगर ये अलग अलग नहीं हुए तो फिर एमआरएनए के सिंथेसिस के लिए प्लेस नहीं रहेगा, उसको जगह नहीं मिलेगी। इसलिए इनका सेपरेशन बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग मेल्टिंग भी कहते हैं। प्रिबनोवॉक्स के अलावा लगभग -35 बेस पेयर्स पे निशन साइट भी होती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्सेंसस सीक्वेंस है ये। तो ये जो रिकग्निशन साइट है ये अलाउ करता है आरएनए पॉलीमरेज को, एक बड़ा चैनल देता है जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज ईजिली इस पर अटैच हो जाए और अपना प्रोसेस शुरू कर सके। अब ये आरएनए जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो चुका है डीएनए से, तो वो मेल्टिंग प्रमोट करेगा सबसे पहले। तो डीएनए, दो डीएनए स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि सिग्मा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इनिशिएशन के लिए, जबकि कोर फैक्टर जो है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी वो इनिशिएट नहीं कर सकता, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के इलोंगेशन ऑफ चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल है सिग्मा का। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब सिग्मा और कोर एंजाइम, यानी कि दोनों एंजाइम मिले हुए हैं एक होलो एंजाइम की तरह, जब यहाँ पर अटैच हो रहे हैं डीएनए से, तो ये एक बहुत टाइट बाइंडिंग है। अब ये क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स ये प्रोवाइड करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करने में। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को हम चार बड़े भागों में बांट सकते हैं, जैसे टेम्पलेट रिकग्निशन जो मैंने आपको भी बताया, उसके बाद है इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। तो अब हम लोग बात करते हैं, चूंकि टेम्पलेट रिकग्नाइज हो चुका है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो चुका है, तो अब आ रही है इनिशिएशन प्रोसेस की। इनिशिएशन का प्राइम रिक्वायरमेंट मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि 3' OH ग्रुप है जहाँ से इनिशिएट हो सकता है, और उस पर ही न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता है। तो जब ये न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन शुरू होता है, तो एक कह सकते हैं छोटा सा आरएनए डीएनए हाइब्रिड बन जाता है। यही वो कॉम्प्लेक्स है जो आगे इलोंगेशन में हेल्प करता है। लेकिन जैसे इलोंगेशन होने के लिए यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सिग्मा फैक्टर जो है आरएनए पॉलीमरेज का, इसको फ्री होना चाहिए। अब इसे छोड़ देना चाहिए कोर फैक्टर को। इसका क्या कारण है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये एक टाइट बाइंडिंग में है, और जब कोई चीज़ टाइट बाइंडिंग में है तो वो मूव नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर सिग्मा फैक्टर इस समय लूज कर दिया जाता है। तो अब जो कोर फैक्टर है वो नए ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए के साथ मूव करने के लिए फ्री है। तो जैसे जैसे नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो है फर्दर प्रोसीड करता जाता है, यानी डाउन स्ट्रीम कोडिंग रीजन की तरफ बढ़ते हुए। तो यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे आरएनए की चेन बढ़ती जाती है, लंबी होती जाती है, इलोंगेट हो रही है, वैसे वैसे आरएनए डीएनए का हाइब्रिड आरएनए पॉलीमरेज के साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब रेस्ट ऑफ द जो चेन है वो फ्री हो जाती है। इसका मतलब वो अब डीएनए से पेयर नहीं कर रही है और वो फ्री है। तो ये जो हाइब्रिड वाला पोर्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज के अंदर वाला पोर्शन है, वही जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज इसको सपोर्ट कर रहा है। और जैसे ही ये हाइब्रिड ख़त्म होता है, तो डीएनए की सुपर कॉइलिंग की ज़रूरत है, यानी डीएनए जो दो डीएनए स्ट्रैंड अलग हो गए थे, इन्हें दोबारा से कॉइल करने की ज़रूरत है। तो अब ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड आपस में कॉइल होना शुरू हो जाते हैं, और ये डीएनए की कॉइलिंग सुपरवाइज कौन करता है? टोपोआइसोमेरेज 1। जब आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है डीएनए से और डीएनए की मेल्टिंग हो जाती है, तो एक बबल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बबल या ट्रांसक्रिप्ट बबल भी कहते हैं। अब जब सफिशियंट अमाउंट बन चुका है, यानी कि रिक्वायर्ड एमआरएनए की चेन लंबी हो चुकी है, इलोंगेट हो चुकी है, तो बात आती है इसकी सही जगह पर टर्मिनेट होने की, जिसके लिए टर्मिनेटर पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है। जैसे स्टार्ट पॉइंट मैंने बताया, वैसे ही टर्मिनेटर पॉइंट प्रोकैरियोट्स में टर्मिनेशन अचीव किया जाता है दो तरीके से, जिसको हम लोग कह सकते हैं इंट्रिंसिक या रो डिपेंडेंट, या दोनों तरीके से। इंट्रिंसिक का मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि अंदर से आने वाली चीज़। ये अंदर से क्या मतलब हुआ
यानी वो इन्फॉर्मेशन डीएनए में ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि आपको पता है डीएनए को हूबहू कॉपी किया जा रहा है एमआरएनए में, तो वो इन्फॉर्मेशन भी एमआरएनए में कॉपी हो गई। तो यहाँ एमआरएनए में जी सी के, जी मतलब ग्वानिन और साइटोसिन की कुछ ऐसे पेयर्स बन जाते हैं जो आपस में पैलिंड्रोमिक होते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे सीक्वेंस आ जाते हैं जो आपस में पेयर कर सकते हैं, वो आपस में पेयर करके हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपको पता है जी और सी के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू ए और टी के। एक तरफ तो ये जी और सी का बॉन्ड बन गया यानी हेयर पिन स्ट्रक्चर बन गया, दूसरी तरफ पॉली ए टेल का बनना शुरू हो गया, या तो ए कोट किया जाएगा या पॉली यू, कुछ भी इसमें से पॉली यू या पॉली ए टेल कोट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आपको पता है ए या यू है तो वहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये उसको अपनी तरफ खींच रहा है, इस तरीके से फोर्स लगा के डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और पूरा का पूरा एमआरएनए बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर अब आरएनए पॉलीमरेज फ्री हो गया, नया ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए फ्री हो गया और डीएनए फ्री हो गया जो दोबारा से सुपर कॉइल हो गया। इस तरीके से एक टर्मिनेशन ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कुछ बाइंडिंग साइट्स ऐसी एमआरएनए में कोड कर ली जाती जो अट्रैक्ट करती हैं रो प्रोटीन को। ये रो प्रोटीन एक रोटेटरी मोशन में होती है और वो एंटर कर जाती है एमआरएनए के ऊपर। एमआरएनए के अंदर वो रोटेट करते हुए आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे आप उसको इमेजिन करिए कि वो धीरे धीरे उस साइट तक पहुंच जाती है जहां पर आरएनए और डीएनए का हाइब्रिड है। चूँकि ये रोटेशन में मूव कर रही है तो ये आरएनए और डीएनए के हाइब्रिड को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ जाती है और फिर आरएनए को डीएनए से फ्री कर लेती है। इस तरह भी टर्मिनेशन अचीव कर लिया जाता है। तो ये टर्मिनेशन के दो बेसिक मेथड्स हो गए जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है। तो आज के वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में समझने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। बच्चों, मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलें जिससे बाद में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।